हुई हूँ। मेरे विषय का शीर्षक है महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। हमें इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। इसे आसान भाषा में कह सकते हैं, महिलाओं को पुरुषों की बराबरी में लाने के लिए महिला सशक्तिकरण जरूरी है। महिला सशक्तिकरण अर्थात महिलाओं को अपने खुद के निर्णय लेने व उनकी सोच बदलना ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत एक पुरुष प्रधान देश है, अर्थात इस देश की जनता पुरुषों को ही इस देश की आदि शक्ति मानती है। महिलाओं को केवल घर संभालने के लिए ही प्रताड़ित किया जाता है। यदि महिलाओं को महिलाएं व पुरुष कदम से कदम मिलाकर चले तो ये शक्ति देश की पूरी शक्ति बन सकती है। और इस दुनिया में पुरुष कदम से कदम मिलाकर चले तो ये शक्ति पूरी हो जाए। शायद पुरुषों को नहीं पता कि महिलाएं कितनी शक्तिशाली है। हमारे ग्रंथों में भी लिखा गया है, यत नारेस्तु पूज्यते यत नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और शायद यही वजह है कि महिलाओं को इस देश में बहुत समझा जाता है। इस दुनिया में महिलाओं को आने से पहले ही मौत की नींद सुना दिया जाता है। किसी भी परिवार या समाज को समृद्धशाली बनाने में महिलाओं और पुरुष दोनों को समान अधिकार देना चाहिए। माननीय मैं आप सभी को एक बात बताना चाहती हूँ, सशक्त नारी से ही बनेगा सशक्त समाज। जैसे कि किसी रथ में लगे दो चक्र, यदि एक भी छोटा या बड़ा हो जाए या टूट जाए तो उस रथ की शोभा भी खराब हो जाती है और ना वो रथ ठीक से चल पाता है। उसी प्रकार किसी भी समाज या राष्ट्र को समृद्धशाली बनाने में महिला व पुरुष दोनों को समान अधिकार देना होगा। पुरानी सदियों से महिलाओं को उतना उच्च स्थान नहीं दिया जा रहा है जितना कि पुरुषों को। हमें महिला को भी उतना ही उच्च स्थान देना होगा जितना कि पुरुषों को। अगर हमें सशक्त समाज का निर्माण करना है तो महिला व पुरुष दोनों को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा और महिला और पुरुष दोनों को समान मानना जरूरी है। और इसी को आगे कैसे ले लिया जाए, इसके लिए महिला सशक्ति नामक एक योजना चलाई गई जिससे महिलाओं को आर्थिक, मानसिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त कर दिया जा रहा है। पुरुषों के साथ जिससे कि महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। स्वतंत्रता के बाद से सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई जो कई शिक्षा से जुड़ी थी, कई खेल से, जिसमें महिलाओं ने पुरुषों को बराबर की मात दी है, चाहे वो शिक्षा में हो या खेल में। कई महिलाओं ने अपने देश का नाम रोशन किया है, लेकिन अभी भी कुछ जगह शिक्षा का अभाव बहुत कम है। जहाँ पर अभी भी 65% महिलाएं अशिक्षित है, जिनमें शहरों में 72.99% महिलाएं शिक्षित है और स्कूलों में 45.50% महिलाएं अशिक्षित है। इसका मतलब अभी भी 4% महिलाएं अशिक्षित है। यदि महिला शिक्षित होगी तो वो अपने पति के वो अपने अधिकार को अच्छे से जान पाएगी। वो वहां जाकर अपने पति के साथ खड़े होकर काम कर सकेगी। उसे घर और बाहर अपने अधिकारों के लिए लड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। वो अपने पैरों पर खड़ी होकर पुरुष के बराबर काम कर सकेगी।